दोस्तों ये मॉर्निंग का क्लिप है और मैं बना रही थी बच्चों के लिए यहाँ पे लंच। और फ्रेंड्स लंच में मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और छोले बनाऊँगी, तो बच्चों का लंच बॉक्स में आज यही जाने वाला है। तो चलिए फिर फटाफट से लंच रेडी करती हूँ और आगे वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप लोग पसंद करोगे। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स बच्चे स्कूल चले गए हैं और मॉर्निंग के सारे रूटीन्स वाले काम, झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग सारा चीज़ हो गया है और मैं नहा करके पूजा वगैरह कर ली हूँ और अभी हेयर कॉम वगैरह नहीं की हूँ क्योंकि बाल थोड़े से गीले हैं। आज थोड़ा सा हेयर वॉश कर ली हूँ क्योंकि सर जो है मेरा रात में बहुत भारी भारी सा लग रहा था। हालांकि मंडे के दिन मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, बट आज थोड़ा सा सर भारी भारी सा मुझे लग रहा था तो मैंने हेयर वॉश किया कि पता नहीं थोड़ा ठीक महसूस हो, बस ये सोच के। और मैं नाश्ता नहीं की हूँ तो अभी नाश्ता करूँगी, थोड़ा सा मिला था टाइम मुझे तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग का स्टार्ट कर लिया जाए क्योंकि अगर ना करूँ तो बस और क्या बोलूं, यही सब है फ्रेंड्स। और हमारे इधर का आज का वेदर जो है बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बिल्कुल धीमी धीमी गति से मतलब धूप निकल रहे हैं। अभी तक देखिए टाइम जो है 10:30-11 होने वाले हैं और धूप जो है बहुत अच्छे से नहीं आया है। तो खैर कोई बात नहीं, किसी को कहीं जाना नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है कि बाहर जाना है। और ठंड जो है बिल्कुल से आज नहीं महसूस हो रही है, तो ये देखिए कि मैं ठंडे पानी से ही नहाना धोना कर ली हूँ। और लाइट का जो है सिस्टम हमारे इधर का तो वो तो लगा ही रहता है, मौसम चाहे कुछ भी हो लाइट का अपना रूटीन है कटने का और ज़्यादातर कटे हुए रहते हैं, रहता ही नहीं है लाइट बोलिए तो बहुत समस्या होता है। कोई बात नहीं, तो चलिए अभी मैं नाश्ता करूँगी। और नाश्ते में मैंने आज फिर से छोला पूड़ी बनाया है क्योंकि मेरे घर में एक सिस्टम है कि बच्चे अगर कोई चीज़ पसंद कर लेते हैं तो उसको मुझे रिपीट करके दोबारा से ही बनाना पड़ता है। जैसे कि आपने कल देखा कि संडे वाले दिन भी छोले बने थे और आज मंडे को भी मुझे फिर से वही बनाना पड़ा है, ग्रीन वेजिटेबल। बच्चों लोगों को जो है कम पसंद आता है, छोला वोला जो भी बनाऊं तो अच्छे से खा लेते हैं, हालांकि ये भी सही नहीं है बट क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनका मन का भी होना चाहिए। और जब भी लंच बॉक्स में डालूँ स्कूल वाले तो मुझे लग रहता है कि थोड़ा सा जो बच्चे पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल दो तो कम से कम वो खा पी के आए अपना। और फास्ट फूड मैं नहीं डालती हूँ, बस यही है छोले वोले जो भी पसंद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स नाश्ता करती हूँ और आगे वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स मेरे फ्यूचर वीडियो का इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नाश्ता करते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये नाश्ता करने के कुछ देर बाद का क्लिप है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे देखिए कि मैं छोले जो मॉर्निंग में बनाई थी तो बस उसको थोड़ा सा चटपटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि मैं हर बार ही करती हूँ। जब भी मैं छोले बनाती हूँ तो एक बार चटपटा बना करके ज़रूर से खाती हूँ, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता कट कर लिया है और प्याज वगैरह कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए चटपटा चाट बनके रेडी हो गया है। इसमें मैंने दही वगैरह सारे चीज़ ऐड करके इसको चटपटा बनाने का कोशिश किया है और मैं हर बार ही ऐसे बना के थोड़ा सा खा भी लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि दोपहर का लंच बनके रेडी हो चुका है। इधर है सीम भाजी और आलू का चोखा और मॉर्निंग का छोला बचा हुआ था और जस्ट सामने में मैंने 2-4 पूड़ियाँ रख ली है और यही है दोपहर का लंच फ्रेंड्स आज, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से ही क्या ही बताऊँ रोज़ रोज़ का बिजी जैसे ही बोलो तो जो भी बन पाता है फ्रेंड्स फटाफट से बना करके खा लेती हूँ और अपने कामों को कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल तो बाबू आया है स्कूल से, उसको मैं खाने दे देती हूँ क्योंकि पहले तो बच्चे का निकाला जाता है खाना हमारे घर में, उसके बाद बड़े बूढ़े खाते हैं। तो बाबू आ चुका है तो लीजिए बाबूजी और खाइए खाना और बताइए कि कैसा है, क्योंकि मैं आज चावल नहीं बनाई हूँ, चावल बनाने का बिल्कुल से मन नहीं था। तो बच्चों को ऐसे भी रोटी पूड़ी ये सब ज़्यादा पसंद आता है, तो चलो बाबू फटाफट से खाना खा लो। दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैं शाम को मार्केट गई थी और उधर से वापस आने के टाइम थोड़ा सा मैंने
क्लिप शूट वीडियो निकाला है। और यहाँ पे देखिए कि मैं घर ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी और वापसी में मैंने क्लिप ये लिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल से याद नहीं था कि मेरे हाथ में मोबाइल भी है। क्योंकि मुझे जब बाहर जाना होता है और उधर से मैं जब भी कोई काम में होती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि मैं घर आ गई थी। उसके बाद ये मैं मार्केट से लाई थी कुछ सामान, जैसे कि दो बल्ब थे, एक एल्युमिनियम फॉइल था और बच्चों के टेस्ट कॉपीज वगैरह जो भी थे, तो वो सब मैं लेकर के आई थी। दोस्तों, ये एलईडी मैं प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के आई हूँ और इसमें ये देखिए कि रेट वगैरह लगा दिया गया है। देखती हूँ कब तक ये चलता है। हालांकि इसका एक का प्राइस मुझे 100 रुपीज़ पर गया है और मैं दो लेकर के आई हूँ। दो बल्ब जो है मेरे घर में ख़राब हो चुके थे ऑलरेडी, तो ये देखिए उसी के लिए मैं निकली हुई थी बाहर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मैंने बल्ब को लगा दिया है और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कामों को करने में थोड़ा डर होता है। बट कोई बात नहीं, ऑन कैमरा कामों को जब करती हूँ तो लगता है कि सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे डर भी नहीं लगता है। और यहाँ देखिए कि एक तो जल गया था और दूसरा को मैं यहाँ पे लगा रही थी। तो ये देखिए कि मैं पुराना बल्ब जैसे निकाली तो थोड़ा सा इसमें झोल झाल टाइप से कुछ पड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा था क्या पता फिट आएगा नहीं आएगा। तो चलिए, हालांकि जो भी था तो मेरा काम हो चुका था। और यहाँ देखिए कि बल्ब भी जल चुका है, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाती है जब मैं खुद से कोई कामों को करती हूँ और वो कंप्लीट हो जाता है तो। और इधर देखिए कि उसके बाद किचन में आ गई हूँ। अब बच्चों के लिए पास्ता बनाना है क्योंकि शाम का टाइम था और रात का डिनर भी देखना था फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पहले तो थोड़ा सा पास्ता बना करके दे देती हूँ, उसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे जैसे मैं हर बार ही बनाती हूँ, बस सेम प्रोसेस में यहाँ पे पास्ता बना रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बीटरूट तो डाल दिया है और प्याज भी डाल दिया है और अनहेल्दी चीज़ को इसी तरीके से सब्जी वगैरह सारे चीज़ों को डाल करके मैं हेल्दी बनाने का कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कैबेज है, कैप्सिकम है, ऑनियन है, कैरेट है और सारे सब्जियों को जो भी थोड़े मोड़े होते हैं डालने का तो मैं डाल देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसी बहाने बच्चों को सब्जियाँ खिला दूँ। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं और बच्चों के लिए पास्ता को इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। तो आज तो मैं भी थोड़ा सा मूड में हूँ कि मुझे भी पास्ता खाने का मन हो ही रहा था। तो हालांकि मैं अब थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं भी नहीं खाऊं, लेकिन बच्चों वाली घर है फ्रेंड्स, कभी बनता है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि सब्जियों को तो पहले मैं थोड़ा सा फ्राई कर ली थी, मतलब हाफ कुक जिसको बोलते हैं मैंने कर लिया था। उसके बाद जैसे पास्ता को मैंने भी थोड़ा सा फ्राई की कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्जियों को सारा सब कुछ एक साथ ही डाल करके थोड़ी देर में चला ली थी। उसके बाद यहाँ देखिए कि ये लग चुका है बच्चों का प्लेट। तो दोस्तों, शाम का खाना पीना हमारा हो चुका है और आप लोगों ने देखा कि पास्ता भी बच्चे लोग को बना करके देना पड़ा, क्योंकि कभी कभी मन बना लेते हैं तो फिर उससे मैं चुक नहीं सकती हूँ। तो फाइनली हमारा खाना पीना हो गया है और मैं खा पी करके आ गई हूँ बेड में। किचन क्लीनिंग का भी काम ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल है तो फिर उठने के बाद वही प्रोसेस मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो चलिए, आज का ब्लॉग जो है मैं आज यहीं पर एंड करूँगी। तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और बाबू भी देखिए कि बेड में आ गया है, वर्क अपना जो भी है स्कूल का कंप्लीट करके। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।